रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Tell me something honestly. ये तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम है? आपके सामने असॉल्ट किया मैंने औरत को, आपने देखा? Absolutely right. See, I know Mr. Khanna इतने अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन जहां तक सवाल सेक्सुअल असॉल्ट का है, you got the wrong man. How did she agree to this? I mean, वो मान कैसे गई? पूरा मीडिया साइकिल बदल गया है। अगर मैं कस्टडी केस फाइल करूं, वो आपकी बेटी नहीं है। प्रेस नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती। सुनने में प्रॉब्लम है? पैक योर बैग्स, यू आर कमिंग होम विद मी। और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आना। दिस वॉज नॉट द डील। मैंने आपकी मदद की थी ताकि आप मुझसे और मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर रहें। एक मिनट, ये ममता का राग तुम मुझे मत सुनाओ। तुम्हारी बेटी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। आई नीड टू क्लीन अप माई इमेज, ओके? तो मुझे एक वाइफ और एक बच्ची की जरूरत है, बिकॉज लोग तो सोचते हैं कि मैं औरतों के साथ जबरदस्ती करता हूं। मेरी बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मेरी बीवी जब मेरी तरफदारी करेगी तो मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। सो राइट नाउ आई नीड अ वाइफ एंड आई नीड अ चाइल्ड, दैट्स इट। सो आई नीड यू टू टॉक फॉर मी। जो तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, बस कुछ और हफ्तों के लिए तुम्हें वो कैरेक्टर और प्ले करना होगा। एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस। लविंग केयरिंग वाइफ का रोल निभाना तुम्हें तो बहुत पसंद आता है ना? 4 सालों से ये तो कर रही हो ना तुम उस लॉयर के साथ। तो बस कुछ और हफ्ते मेरे लिए कर लो, इट्स नॉट रियली अ बिग डील। और अगर नहीं किया तो मैं अपने लॉयर को फोन कर देता हूं। बट हां, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन टू पिया कि डीएनए टेस्ट क्या होता है। सो पैक योर बैग्स। मैं मिस्टर खन्ना के साथ जा रही हूं। एक छोटा सा मैसेज और टिप्सी मेरी जिंदगी से चली गई। पिया को रोज मैं पिकअप करता था, सोचा यहां पर आज टिप्सी मिलेगी। शायद गलती मेरी थी, करण खन्ना को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। क्या कहा उसने टिप्सी से? जो टिप्सी पिया को उसके साये से भी बचाती थी, आज पिया को पिकअप करने के लिए करण खन्ना को भेज रही है। कौन सा ऐसा डर था जिस वजह से टिप्सी ये सब करने को मान गई? अभी तक लगे पड़े हो? टिप्सी ने मुझे कहा है पिया को पिकअप करने के लिए। ये म्यूजिकल चेयर्स टिप्सी अपने हर मेल इंटरेस्ट के साथ खेलती है। पहले सब अच्छा रहता है, एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी, बट व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स, सिर्फ कुर्सी नहीं जमीन भी निकल जाती है नीचे से। अभी तू घर जा, बिकॉज राइट नाउ टिप्सी इज प्लेइंग विद मी। टिप्सी तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने उसे ब्लैकमेल किया है। Isn't it obvious? You're so pathetic, Karan. Oh, I'm pathetic. Says the man जो किसी दूसरे की बीवी और दूसरे के बच्चे की आस लिए बैठा है। क्यों भाई? खुद से कुछ हो नहीं पाता? तुमसे तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी बीवी को वापस ब्लैकमेल करके बुलाना पड़ रहा है। अल्लाह, वैसे लास्ट आई हर्ड पिया तुम्हारी बेटी भी नहीं है। पिया 4.5 साल की है। उस वक्त टिप्सी मेरे साथ थी, सो 90% चांसेस आर दैट शी इज माय डॉटर। अब हाँ, टिप्सी बाहर भी जाती थी तो 10% चांस है कि दैट शी मे नॉट बी माय डॉटर, बट वो मैं संभाल लूंगा। वाव, आई कांट बिलीव टिप्सी वाज मैरिड टू यू। ओह, शी स्टिल मैरिड टू मी। डिवोर्स नहीं हुआ हमारा, और अब हम एक ही घर में रहेंगे, एक ही बिस्तर में सोएंगे। अब उसके ज्यादा मैं नहीं बता सकता, प्राइवेट बातें है ना। तो एक काम कर, तू घर जा, एक लार्ज पैक बना और गटक ले। देख, जब टिप्सी तेरे साथ थी तो वैसे भी तेरे को पीने का मौका तो मिलता नहीं था। अब मौका मिला, मैं तो कहता हूं घर जा, पूरा देवदास बन जा, पैक पी और सोच कि तेरी पारो इस वक्त क्या कर रही होगी। करीन पापा। अरे आ गई मेरी बेबी, कम। करीन पापा, आज आप मुझे लेने आए? Say bye. Bye. पापा, आप मेरे लिए बिल्कुल वरी मत करना। Just think कि मैं हॉलीडे पर गई हूँ, okay? Bye. आप मेरे रियल पापा हो ना?
आप मेरी बेटी जैसी ही हो, ऐसा समझ लो। हाय आना, आपने मुझे पक्का जवाब नहीं दिया, मैं हूँ ना आपकी बेटी। इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज से आप मेरे घर में रहेंगी मेरे साथ, और आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, टॉयज, गेम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सब कुछ। यू आर माई बेस्ट पापा। सुनो, ये हग वग नहीं करते, हाई फाइव कर सकते हैं? हाई फाइव, लो फाइव, पापा यू आर वेरी स्लो। चलो आओ अंदर बैठो। नहीं, क्यों? आज टेस्ट था स्कूल में, सरप्राइज वाला, प्लीज कर दो ना साइन। तुम्हें अपनी डायरी के लिए मेरा साइन चाहिए? लेकिन तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टेस्ट के लिए रेडी क्यों नहीं करवाया? कराया था, लेकिन मेरा ब्रेन छोटा है ना, मम्मा कहती है मैं अपने पापा पे गई हूँ। आई हेट इडलीज पापा, हु कैन लाइक इडलीज, आप ही बताइए। यार ये क्या है यार, जा तू। क्या हुआ? I hate idlis. What is this? Mr. Khanna, healthy breakfast है। आपको खाना चाहिए। बच्चों की तरह tantrums करने की ज़रूरत नहीं। मैं बच्चों की तरह tantrum करूँगा। In fact, मैं protest करता हूँ। मैं अपने बच्चे के नाम पर protest करता हूँ। मेरा बच्चा ये healthy oats वाला नाश्ता नहीं करेगा। गधे और घोड़े का नाश्ता है ये। आपका बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, आधे जीन्स तो उसमें गधे वाले आने ही वाले। ए, मेरा बच्चा पंजाबियों वाला नाश्ता ही करेगा। पराठे विद एक्स्ट्रा घी एंड वो सफेद बटर। अरे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? जब भी आएगा। मिस्टर खन्ना प्लीज, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, जल्दी कीजिए। इसको इसके कमरे तक ले जाओ। जी सर। चलो ले जाओ ले जाओ। करण, what is going on? News देखी मैंने, तुमने बताया नहीं, कम से कम फोन कर दिया करो करण। I know I'm busy, but मैं आ सकती हूँ। Wait, I'm going to book my ticket tonight and I'll be there tomorrow. Radhika, don't worry यार, this scandal video, everything is under control. वो झूठ बोल रही है, now everybody knows कि वो झूठ बोल रही है। I know करण, this is crazy. But I'm glad that Tipsy तुम्हारे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ कि Tipsy तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गई है। करण, तुम ज़्यादा strong होते हो, जब Tipsy होती है तो। You know what, Radhika, you're my ex-wife, फिर भी तुम्हारा attitude बदला नहीं है। You just always take me for granted. कभी तो मुझे credit दे दिया करो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था या क्या चल रहा है। This time, just make it work. Anyway, मैंने तुम्हें त्रिशा की शादी की शॉपिंग लिस्ट मेल कर दी है। Just make sure कि सारी चीजें प्लीज खरीद लेना टाइम से। और कुछ समझ ना आए करण तो प्लीज मुझे फोन करना, मेल करना या Tipsy से पूछ लेना। You know what? Actually, just ask Tipsy. I know she'll do it. Okay. Bye. भैया हो गया ट्रांसफर। Okay. Thank you. Don't give me that look, Tipsy. हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, कहीं और जाके बात करते हैं। तुमने कुछ बताया भी नहीं। You just left. नहीं बता पाई। Emergency थी। I know. करण पिया को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो तुम दोनों को यूज कर रहा है ना? वो तुम दोनों को यूज कर रहा है। एंड Tipsy, प्लीज वो हमें यूज नहीं करे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अपने लिए नहीं, पिया के लिए करें। मैं नहीं चाहती कि बड़े होके उसे ये लगे कि उसके फादर पे एक झूठा सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा और उसकी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा सारा नजरिया ही बदल गया? आई रियलाइज कि मैं गलत थी। मिस्टर खन्ना गलत नहीं है,
दिस टाइम ही इज द विक्टिम एंड आई फील बैड अबाउट इट. झूठ. मैं तुम्हें जानता हूँ टिप्सी, चार सालों से जानता हूँ तुम्हें. चार साल से जानते हो ना तुम मुझे? तब नहीं जानते थे व्हेन आई वाज इन लव विद आई वाज अ डिफरेंट पर्सन अराउंड. तुम्हारी एक यही बात पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ. दैट यू लव करण खन्ना. यू गोइंग टू हर्ट योरसेल्फ अगेन. करण बदल गया है. ही इज नॉट द सेम मैन. यू वांट टू पुट योरसेल्फ थ्रू द सेम पेन अगेन. डू आई हैव अ चॉइस? आई बेसिकली हैव टू चूज वन पेन ओवर द अदर. रोज एक ऐसे आदमी के साथ रहना जो एक जमाने में आने में मुझसे बहुत प्यार करता था और आज मुझसे नफरत करता है. इट इज पेनफुल बट टू लूज माई डॉक्टर टू हिम, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. वाह क्या बात है, मेरी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ स्नगल अप कर रही. मिस्टर करण अपने दिमाग की सफाई करो. ओ ले 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 ले, बुरा लग गया तुझे? डोंट वरी, टिप्सी को बुरा नहीं लगा है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है. ना चार साल पहले पड़ता था ना आज पड़ता है ना टिप्सी? बोल दो. He's not worth it. Yeah, I'm not worth it. मेरे अलावा, इसके पति के अलावा हर मर्द worth it है, but I'm not worth it. टिप्सी, you don't have to take this hit. जो भी इश्यूज है, जो भी धमकी इसने दी है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे. He can't bully you like this. Come on. देख लो, आप लोग सब देख लो कैसे मेरी बीवी का हाथ पकड़ के ले जा रहा है ये. हम लोग काफी दूर खड़े तो शायद सुना नहीं उन लोग, लेकिन अगर दो सेकंड में तूने ये हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं इतना चिल्ला के बोलूंगा कि वो लोग जरूर सुनेंगे. सर अगर आप इस तरह भाग जाएंगे इट कैन जेपेटाइज योर केस. अरे भाई ये प्यार का मामला है, भाड़ में गया केस क्यों? Now you get it, Tipsy. मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास. चले. Your Honor, आपने दोनों ही पार्टीज को मीडिया से बात करने से मना किया था. We respected the gag order. लेकिन इनके क्लाइंट ने ये वायरल वीडियो अपलोड करके इस केस को मैनिपुलेट और बायस करने की कोशिश की है. We are filing a defamation case against Sanam Mehta. Your Honor, Sanam Mehta ने कोई वीडियो वायरल नहीं किया है, किसी और ने वायरल किया है. We have no hand in it. Says the man who had his hand on my wife. Mr. Khanna. Mr. Khanna. Yes, what is it? आप ऐसे ही बदतमीजी किया कीजिए कोर्ट में, मेरा काम कम हो जाएगा. देख भाई, डायलॉग मारना मेरा काम है, तू रहने दे. और एक बात समझ ले, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं तेरे जैसे इतने बड़े वकील को भी बदनाम करके डिसबार करवा सकता हूं. But I'm not going to do that. You want to know why? I want you to fight me so that you lose, so that she loses. So like I said, good luck. Chalni. Cheers to Upamanyu. Why? अरे आज तक सनम मेहता और उसका लॉयर हमेशा जीतते रहे हैं, आज तो उपमन्यु ने उन पर केस डाल दिया. So cheers to us. मैं चलता हूँ. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो सिर्फ 8 बजे. मुझे घर जाकर डिनर अपनी फैमिली के साथ करना है. I mean, वो
हैप्पीली मैरिड हस्बैंड का रोल जरा अच्छी तरह निभाना चाहिए ना मुझे लगता है। करण तुम ये रोल कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हो? लेना पड़ेगा ना। आई मीन थिंक अबाउट इट, सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है। दिस रोल प्ले हैज टू बी वेरी सीरियस, दिस होल थिंग हैज टू बी सीरियस, करेक्ट? चलता हूं। इसकी क्या जरूरत थी वेद? कौन ले आता फिर? Are you out of your mind, Mr. Khanna? Have you lost it? ये क्या कर रहे हैं? You almost killed him. अब यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर यहाँ पर मेरे ही घर में मुझे दिखेगा तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही ना। एंड यार आई नो यूर डेस्परेट, आई नो तुम चाहती हो कि तुम इसके साथ जाओ, लेकिन तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। थोड़ा सब्र करो, ट्राई एंड कंट्रोल योर रेस्टलेसनेस एटलीस्ट अ बिट। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वाहियात बातें आती हैं हमें देखकर। भाई साहब मियां भी बात कर रहे हैं, बीच में बात। आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर खन्ना। 5 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ, मुझे लगा था 5 साल में आप थोड़ा तो बदले होंगे, लेकिन नहीं, यू जस्ट द सेम। आप बिल्कुल वैसे के वैसे, वही छोटी सोच और वही शक की बातें। You know what, Mr. Khanna? मुझे वेद से मिलना होना तो हम यहाँ आपके ड्राइववे पे नहीं मिलते। He has a 3 BHK, I have a 2 BHK. वो यहाँ पे पिया का सामान लौटाने आया था, और वो भी इसलिए क्योंकि you kidnapped her without my knowledge. Oh, इसीलिए आए हो? I'm so sorry. Actually, misunderstanding हो गई, गलतफहमी हो गई. I'm really sorry. एक काम करते, ये ना एक कार्ड रखो, पिये लो। मेरे इंश्योरेंस एजेंट का कार्ड है, जो भी डैमेज हुआ है ना मैं भर लूंगा। एंड आइंदा यहाँ पर आने की जरूरत शायद नहीं होगी, बिकॉज बहुत स्टाफ है मेरे पास, पिया का सामान, किसी का भी सामान खुद पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और आप ऊपर तो चलिए, अभी बेडरूम सजाना है, सेंटेड कैंडल्स, सब कुछ मैंने इंतजाम किया हुआ है। ओके, हैव अ लवली इवनिंग भाई। अगर मैंने टिप्सी के डर को सीरियसली लिया होता, उसे करण खन्ना से प्रोटेक्ट किया होता, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। आई कांट लेट दिस हैपन। टिप्सी और पिया को मुझे करण से प्रोटेक्ट करना था, और मैं करूंगा।